नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का श्री गणेश हो गया है। चुनाव आयोग ने बिगुल बजवा दी है और उसी के साथ 7 चरणों में मतदान की पूरी प्रक्रिया होगी। 10 फरवरी से मतदान शुरू हो जाएंगे, पहला चरण 10 फरवरी, उसके बाद 14 फरवरी और फिर ऐसे ही सारे चरण 10 मार्च को इस प्रदेश में आपको एक नया सीएम मिल जाएगा और उसी के साथ जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी में विधानसभाओं का गठन हो जाएगा और जो प्रत्याशी जनता चुन के भेजेगी जिनको वो विधानसभा की गद्दी पर बैठेंगे। तो अब जब चुनाव आयोग की तारीखें आ गई हैं उसी के साथ प्रत्याशी जो वहां से अपनी अपनी विधानसभाओं से दावेदारी कर रहे हैं वो लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं और उसी के साथ सारी जो पूरी प्रक्रिया है इस चुनाव की उसको लेकर के पूरी जुगत बना रहे हैं, सियासी समीकरण बैठाल रहे हैं। सनराइज न्यूज भी एक खास सेगमेंट की शुरुआत कर दी है, सरकार बहादुर घेरे में। आज यही सरकार बहादुर होंगे और आज के हमारे सरकार बहादुर हैं अभिमन्यु प्रताप सिंह जी। बदायूं जिले से बिलसी विधानसभा से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। अभिमन्यु जी का एक मोटा माटी परिचय अगर मैं आपको दे दूं तो आरएसएस का जो भारतीय किसान संघ है उसमें बदायूं जिले के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में प्रांत कार्यकारिणी के प्रांतीय मंत्री भी हैं। तो इन्हीं से आज पूरी चर्चा होगी, इनसे जानेंगे इनके विधानसभा का इतिहास और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से चूंकि ये जुड़े हुए हैं तो उस पार्टी के बारे में भी इनसे चर्चा होगी अगले 10-15 मिनट जो भी हमारी बात होगी। अभिमन्यु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सनराइज न्यूज में बात करने के लिए। धन्यवाद। शुरुआत फिर वही है कि थोड़े कठिन से सवालों से पहले कर ली जाए जिससे आगे का पूरी चर्चा आसान रहे। और सबसे पहला हमारा सवाल जैसा कि हमने पहले पूछा आपसे कि आपको ही जनता क्यों चुने, आपको ही पार्टी क्यों शॉर्टलिस्ट करें और हमने जो चूंकि आपको बातचीत करने के लिए बैठाया, एक जरिया दिया आपको बात करने के लिए, तो आप यहाँ पे अपनी बात रखिए कि आपको ही क्यों चुना जाए। देखिए, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक जब से दोबारा परिसीमन हुआ है हमारे लिए स्थानीय प्रतिनिधि नहीं मिला जी। और मैं किसानों के बीच मैंने काम किया है, किसानों की जो समस्या होती है मैं सर्वाधिक जानता हूं क्योंकि मैं खुद भी किसान हूं और किसानों के बीच मैंने काम किया है जी। अगर मुझे अधिकार मिलेंगे तो मैं किसानों की समस्याओं का हल मैं अच्छे तरीके से हल कर सकता हूं। पूरे निश्चित हैं आप अपनी ओर से? जी मैं निश्चित हूं, मैं जानता हूं ना समस्या का हल तो वही करेगा ना जिसको समस्या मालूम होगी समस्या है कहां पर। अच्छा, तो फिर आप किसानों के बीच काम किया है, जरा कुछ किसानों की समस्याएं आप बता दें, क्या क्या समस्याएं हैं किसानों की? किसानों की जो मूलभूत समस्या रहती है जैसे गन्ने के पेमेंट से रिलेटेड रहती हैं, गायों की जी। जैसे आजकल विपक्षी पार्टियां एक मुद्दे को बहुत ज्यादा उठा रही हैं जो गायों की जो समस्या है जी। लेकिन हम अपने किसानों में कहते हैं हमारे लिए गाय कभी समस्या ही नहीं रही। भाजपा ने तो जो कहा है, भाजपा ने ये कहा था कि हम गाय कटने नहीं देंगे। भाजपा ने ये कभी नहीं कहा था कि गाय हम पकड़ लेंगे, लेकिन वो समस्या तो हमारी खुद की क्रिएट करी हुई है जिसका समाधान हमको जनभागीदारी के साथ करना होगा। नहीं तो आप इसको एक तरीके से समस्या भी बता रहे हैं गायों को लेकर के, हमारी तो समस्या है जी। समस्या तो है गायों की, समस्या जंगली जानवरों की समस्या तो होती ही है, ये तो कोई भी मान सकता है, लेकिन आप इसके लिए दोषी किसी सरकार को बना दे कैसे बना देंगे? गाय तो हमारी आपकी है, तो इससे कैसे निपटा जाएगा फिर, इसका समाधान क्या होगा फिर? इसका समाधान ये होगा गौशाला का क्रियान्वयन ढंग से कराया जाएगा। और तो अभी मान रहे हैं आप अभी ढंग से नहीं हो रहा है? हाँ, अभी ढंग से हो नहीं पा रहा है जिसमें जनभागीदारी। तो आपकी सरकार प्रदेश में बैठी है पिछले 5 सालों से, आपकी सरकार सारे गौशालाओं का क्रियान्वयन पूरा हो रहा है उनके नेतृत्व में ही हो रहा है। सरकार के प्रयास में कोई कमी नहीं रही। मैं अपने बिलसी विधानसभा में हमारे जो मौजूदा जनप्रतिनिधि रहे 5 साल में उन्होंने कभी क्षेत्र में जाने के लिए कभी सोचा ही नहीं कि किसानों की समस्या क्या है। वो जब समस्या सुनेंगे ही नहीं तो दूर कहां से करेंगे, हम तो समस्या भुगत रहे हैं तो हमें मालूम है कैसे दूर होगी। अच्छा, तो जरा कुछ स्टेप्स में बता दें समस्या कैसे फिर आप दूर करेंगे, आपका क्या विजन है उसको लेकर? हमारा जनभागीदारी बढ़ानी है गायों को पालने के लिए। अच्छा, इस देश में ऐसा कौन सा नागरिक होगा जो गायों को अपनी आंखों के सामने कटने दे सकता है? क्या कोई आदमी ये कहेगा गाय काटने के लिए अलाउ कर दिया जाए?
तो गाय के लिए हम दूध पीने और फिर छोड़ने सड़कों पर, ऐसा हो सकता है? मैं नहीं, आज बिल्कुल नहीं, इसका कोई समर्थन नहीं करता। मैं जाता हूं, मैं किसानों से मैं पूछता हूं जाने के बाद कि ये क्या बताते हैं लोग, गाय हमारे लिए समस्या है, हमने किसका इलाज बताइए, हमने आप उनके पास जवाब कुछ होता नहीं है, हमने कि ये बता दीजिए कटवा दें क्या, तो कटवाने के लिए कोई राजी नहीं है। तो गाय की समस्या जब तक जनभागीदारी नहीं होगी, किसान सरकार की उसमें कोई योजना लागू ढंग से नहीं होगी, तब तक कैसे हो जाएगी? सरकार कैसे कागजों में गाय पलती रहेगी? मनु जी एक समस्या आपने और बताई, गन्ना की समस्या, बहुत मूलभूत समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है, इससे कैसे निजात, क्योंकि पिछली सपा सरकार भी रह चुकी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 5 साल से रही, पूरा अपना दिखाया, अब तो कोई ये नहीं कह सकते, आप आरोप उन पे नहीं लगा सकते और वो आप पे आरोप लगाएंगे क्योंकि वो सत्ता में थे, उनको जनता ने पसंद नहीं किया, निकाल दिया, आपको बैठा। थोड़ा सा विषय में थोड़ा सा अंतर है भाई साहब। जी जी, हमारे यहाँ की गन्ना की जो समस्या जो है वो पेमेंट को लेकर नहीं है। जब से भाजपा सरकार आई है, हमारे पास, हमारी सरकार के पास, हमारी फैक्ट्रियों के पास पिछले सालों का पेमेंट कोई बकाया नहीं है, जबकि हमने जो पेमेंट किया है वो पिछली सरकारों का जो ड्यू था वो हमने निपटाया है। दूसरा, हमारे यहाँ समस्या जो आती है वो समस्या पेराई को लेकर आती है। अच्छा, उसमें भी हमारे बिलसी विधानसभा गन्ना का क्षेत्र है, हमारे 5 साल में एक भी केंद्र पर हमारे जनप्रतिनिधि नहीं गए, बिलसी विधानसभा के जनप्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि एक बार भी गेहूं तोल केंद्र पर नहीं गए। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, अगर आपका चुनाव हो जाता है तो आपने विजन क्या रखा है अपने क्षेत्र के लिए? अपने क्षेत्र के लिए हम तो एक तो उनके अप्रोच में रहेंगे जी, उपलब्ध रहेंगे, जो सरकार की योजना है वो ईमानदारी से क्रियान्वित हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, करेंगे। अच्छा, एक अभिमन्यु जी समस्या और आ रही, क्योंकि हम एक तरीके से अभी सिर्फ फोरकास्टिंग तो नहीं कर सकते, सिर्फ अंदाजे से बात कर सकते हैं, अगर प्रदेश में सरकार चेंज होती है, परिवर्तन आता है और एक नजर में देख ले कि आपको जनता आपके क्षेत्र में चुन लेती है, तो कहीं ये आरोप तो नहीं लगेगा जो वर्तमान में लग रहा है कि आपके यहाँ से जो है कि भाई वो तो भाजपा की सरकार है और हमारे ध्यान नहीं दे रही, आप तो ये नहीं कहोगे कि वहां अगर कोई दूसरी सरकार बैठ गई कि वो तो वो सरकार है, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर रही है, अगर सरकार चेंज होती है तो? भाई साहब, विधायक नहीं जितवा रहे कहीं पे भी, हम बूथ जीत रहे हैं जी, हमारी पार्टी का बूथ अध्यक्ष की जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर पावर होती है, हम विधायक नहीं बनवा रहे हैं किसी, हम बूथ जीत रहे हैं। अच्छा, अब तो आपने फिर आपके तो पन्ना प्रमुख की भी बात बहुत ताकत हो गई अब तो। पन्ना प्रमुख की जितना माइक्रो लेवल का इलेक्शन है हम लड़ना जानते हैं, विधायक जीतने के बाद वो तो जो सेलिब्रिटी लड़ते हैं वही विधायक बनते हैं, हमारे यहाँ तो बूथ अध्यक्ष जीतता है चुनाव। तो आपके आपने क्या स्ट्रेटजी रखी है फिलहाल अपने चुनावों को जीतने के लिए, अगर आपको टिकट कंफर्म होती है वहां से? हमारा जनसंपर्क है, हम क्षेत्र के लोग हैं, हमारे लिए अच्छा वोट प्राप्त होगा और चुनाव जीत जाएंगे 12 बजे तक। चुनाव जीते जाएंगे 12 बजे तक? 12 बजे तक हमारे जीतने लायक वोट पड़ जाएंगे हमारे पक्ष में। इतना श्योर है आप? अभी टिकट तो कंफर्म हुई नहीं है आपकी? नहीं है, जब कहीं हमको अपने, हम तो क्षेत्र में रहे हैं ना जी, हम मालूम है कि हम चुनाव जीतेंगे, जब हम जीतने की उम्मीद है तभी तो हम यहाँ पे आवेदन किया भाजपा से। अच्छा अभिमन्यु जी, अगर आपके क्षेत्र से आपको टिकट ना मिलके किसी और को टिकट मिल गई? हमारा प्रत्याशी, हमने तो आपका, हमारा प्रत्याशी जो है कमल का फूल है। अच्छा, एक समस्या आती है ना कि कहीं मन मुटाव हो जाए, मन मुटाव हो गया आपके साथ और उसमें कहीं पार्टी खामियाजा नुकसान भुगत गई तो? हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था है, हम संगठन के आदमी हैं, हम विधायक, हम या मैं, मेरे ऊपर भी वही बात लागू होती है, दूसरे हम विधायक बनाते हैं, विधायक हमारे ऊपर नहीं आते हैं, हम विधायक पैदा करते हैं हर साल, पिछले साल हमने जी। एक 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 समस्या आपकी बिलसी विधानसभा में और आती है, थोड़ा सा सड़कों को लेकर के एक बड़ी समस्या है आपकी विधानसभा में। क्या
सड़कों को लेकर के एक बड़ी समस्या है आपकी विधानसभा में। समस्या नहीं सड़कों की, सड़कों की एक बड़ी समस्या वहां से बताई जाती है और उसके साथ ही क्या गलत जानकारी है आपको, हमारे यहाँ सड़कों की कोई समस्या नहीं। जानकारी दुरुस्त करने के लिए आपको बता दूं कि हमारी पूरी टीम बिलसी विधानसभा की कवरेज करके आई है ना, आप उसके कई सारे वीडियो आप हमारे यूट्यूब पेज पे देख सकते हैं, पूरी टीम वहां पहुंची थी और उसके साथ ही कई सारे उसमें किए हैं। खैर आप उसको देखिएगा, फिर आपसे जब कभी कनेक्ट होंगे फिर उस पर बात होगी, अभी तो आप कह रहे जानकारी नहीं है। दूसरी एक किसानों की जो आपने और एक समस्या बताई है, उस समस्या में ये भी शुमार करिए कि आप कितने आश्वस्त हैं कि किसान आपको वोट दे देंगे, क्योंकि अभी तो पिछले आपका तो यूपी में किसानों को लेकर के तो रिकॉर्ड ही खराब चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, किसान क्या माहौल खराब चल रहा है किसानों को लेकर के, तो आपका रिकॉर्ड खराब चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर चाहे वो लखीमपुर की घटना हो जाए और चाहे वो अभी किसान कानून जो बिल हुआ उसको लेकर के बात हो जाए, तो वो तो कई सारे रिकॉर्ड खराब हो गए हैं। हम तो उत्तर प्रदेश में 70% किसान रहते हैं कुल जनसंख्या का, 2-3% लोग अगर कहीं किसी वजह से किस मिसगाइडिंग की वजह से कुछ ना कुछ अगर उनके साथ उनकी असहमति है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उनकी असहमति को आप सुनेंगे नहीं, असहमति स्वीकारेंगे भी नहीं और सुनेंगे भी नहीं। नहीं, सुन भी रहे हैं दूर भी कर रहे हैं, जब आप कृषि कानून है जो अभी वापस किए हैं कि उनकी असहमति कारण ही तो वापस करें। इतना वक्त लगा दिया, 1 साल प्रयास किया उनको समझाने का, भाजपा के नेता में नहीं समझा पाए। समझाने का प्रयास किया था कि डराने का प्रयास किया था उनको, में कोई चीज जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, उसको वापस कर दिया। उनको समझाने का प्रयास किया था कि डराने का प्रयास किया था, समझाने का प्रयास किया, डराने का क्या, कहाँ पे बल प्रयोग किया बताइए। वाटर कैनन कीले रोड पे डलवा रहे हैं, कहाँ चले बताइए। वाटर कैनन पूरे किसान आंदोलन का आपको मुद्दा ही नहीं पता है, वाटर कैनन चले आपने कीले लगवा दी जिससे किसान आगे ना बढ़ पाए। 18 महीने से बॉर्डर पे रुके हुए हैं, उनके खाने का पीने का बिजली का और पानी का व्यवस्था तो सरकार कर रही है वहाँ। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, ये किसान आप तो जब मीटिंग में ही किसान आपका खाना नहीं खा रहे थे, आप कह रहे हैं वहाँ सरकार व्यवस्था कर रही थी खाने की। धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनके जो बिजली की व्यवस्था सरकारी है वहां पे, सरकार ने वहां पे बिजली दी है उनको प्रदर्शन करने के लिए, पानी की व्यवस्था सरकार की थी वहां पे, काटा नहीं गया था पानी। अरे वो तो आपको जनता को देना ही पड़ेगा, उनकी मूलभूत सुविधाओं को भी नहीं देंगे पानी और बिजली जैसी सुविधा, सड़क के थोड़ी बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी दिया। अच्छा, किसानों के लिए जरा मुझे 2-4 बड़ी योजना और बता दीजिए जो आप जीतने के बाद उनके लिए लाएंगे जिससे किसान और आश्वस्त हो जाएं। किसानों के लिए हमारे लिए कोई नई योजना की आवश्यकता ही नहीं है, जो हमारी वर्तमान में जितनी योजनाएं चल रही हैं इनकी ढंग से मॉनिटरिंग अगर हमारे निवर्तमान जो वर्तमान कहना चाहिए निवर्तमान विधायक ही ढंग से देख लेते तो वो भी क्रियान्वित ढंग से हो जाती। अगर वो गेहूं क्रय केंद्रों पर अगर 2-4 बार हुआ है होते तो दलाली बंद हो जाती, उन्हीं के चमचे उन्हीं के जो दोस्त हैं जो गैर पार्टियों से भाजपा में अवसरवाद कर यहां पर आ गए थे, उन्होंने उसका लाभ लिया। तो आप दलाली रोक लेंगे जी, आप दलाली रोक लेंगे, दलाली रोक देंगे हम बिल्कुल एकदम राइट टाइम कर देंगे सब, और हमने किया कैसे, भी कैसे, कैसे हम थोड़ा सा बता दें कैसे स्टेप लेंगे, थोड़ा सा बता दे कैसे स्टेप लेंगे, थोड़ा किसान आश्वस्त हो जाए। स्टेप क्या लेंगे, हम वहां पे लगातार उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, जाएंगे देखेंगे, किसानों से पूछेंगे। आप किसानों से बात करिए, किसान आपसे झूठ थोड़ी बताएंगे, क्या समस्या बताएंगे आपको, कौन समस्या पैदा कर रहा है ये भी बताएंगे आपको। पत्रकार जानते हैं, पत्रकारों को पता लग जाता है, जनप्रतिनिधियों को नहीं पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल पता करेंगे। और उसी के साथ ये तो हो गई ग्रामीण समस्याएं, थोड़ी शहरी समस्याएं क्या हैं और उनको कैसे आप निजात दिलाओगे आपकी नजर में, समस्याएं बताइए आप शहरी समस्याओं की कैसे निजात दिलाओगे। जो शहरी समस्या जैसे बिजली हमारी, मैं 40 साल का आदमी हूँ, पिछले 5 वर्ष से बिजली हमको कभी नहीं मिली। ये तो बड़ी समस्या है ना आपकी विधानसभा में जी, अब नहीं है थी पहले। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये फिर तो आपके इन विधायक पे कैसे आरोप लगाओगे फिर तो आप।
ये सरकार का अपना उसकी कार्य करने की अपना तरीका है। मूलभूत सुविधाओं का सबसे पहले उसने सरकार ने ध्यान दिया, जिससे कि बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हुई, अच्छी चली। तो अभी तक आपने टिकट के लिए लखनऊ के चक्कर लगाए हैं? नहीं, जहाँ चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, हमारे संगठन संगठनात्मक व्यवस्था है, उसके तहत हम जाते हैं, हम संगठन के आदमी हैं। अरे महोदय, आज तो बड़े चक्कर लगे हैं, कल से पहले चल रहे हैं। हमने जहाँ हमको अपना आवेदन देना दे दिया, बाकी अपना जो तरीका उनको उस हिसाब से टिकट मिलता है। कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं अपनी टिकट को, अपनी दावेदारी को लेकर? 100% जी। 1% खामियाजा में नहीं है जी? 1% संदेह में नहीं है? बिल्कुल संशय, इस बात का संशय होगा उस दिन अपनी दावेदारी वापस कर देंगे। ठीक है, तो जनता के बीच और किन मुद्दों को लेकर के आप जाओगे? बस एक आखिरी सवाल आपसे, और उसके बाद जनता के बीच मुद्दे जो हैं, जो हमारी व्यवस्था चल रही है वो सुचारू रूप से चले, सरकारी व्यवस्था, जैसे हमारी प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था है, इंटर कॉलेज की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जो सरकार की मंशा रही है वो सुचारू रूप से चले। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभिमन्यु जी, जो जिस तरह से पूरा आपने रिकॉर्ड बताया, तो मेन जो आप मुद्दे को लेकर के जाएंगे, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वो आप किसानों का, क्योंकि आप आरएसएस से जुड़ चुके हैं, किसान संघ से, तो आप किसानों के मुद्दों को मुख्य रूप से ध्यान में रखकर जाएंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, कुछ दिनों की बात है, और उसके बाद किसको टिकट मिलती है ये तय हो जाएगा, देखने लायक रहेगा। और उसके साथ ही 14 को आपके क्षेत्र में मतदान है, तो वहां से स्पष्ट स्थिति हो जाएगी, और 10 को फिर देखते हैं कौन इस पिलसी विधानसभा की गद्दी पर बैठता है और कौन चुनकर विधानसभा तक पहुंचता है। खैर, मनु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सुनवाई। शुक्रिया, धन्यवाद।